वेलकम टू माई चैनल एंड आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैंने सोचा मैं आपसे कुछ ऐसी रेसिपी शेयर करती हूँ जिसमें हम लेफ्ट ओवर जो दाल होती है उसके साथ में सुबह का नाश्ता आसानी से बना सकते हैं। तो इस रेसिपी में दाल के साथ साथ मैंने बहुत सारी वेजीज डाली हैं जिससे ये और न्यूट्रिशियस हो गई है। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी मसालेदार लेफ्ट ओवर दाल और वेजीज के पराठे। इनको ब्रेकफास्ट में यूज़ किया जा सकता है और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो इनको टिफ़िन में पैक करके भी दे सकते हैं और इवनिंग में ब्रंच में भी आप इनको खा सकते हैं और ये बहुत झटपट बन जाते हैं बिना किसी ज़्यादा झंझट के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कल की मेरे पास जो दाल बची हुई थी उसको मैंने एक बड़े बोल में ट्रांसफ़र करके फ्रिज में रख दिया था और जब आप फ्रिज में दाल को रखते हैं तो वो पानी को सोख लेती है और बहुत थिक हो जाती है। तो देखिए मेरी दाल अगर आप देखेंगे तो बहुत पेस्ट जैसी बन गई है। तो इसको हम गरम नहीं करेंगे, हम सीधा ही इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे हमारे आटा मारने वाले बर्तन में। तो जब तक हम बाकी की तैयारियां लगाएंगे तब तक हमारी ये दाल रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी। तो अब हम कुछ वेजीज़ को काट लेंगे। तो वेजीज़ बेसिकली आपके घर में जो हो और जो आपको लगता है कॉम्बिनेशन में आ सकती है आप सब डाल दीजिए। मैंने यहाँ पर लिया है 1 इंच अदरक का टुकड़ा, हरी मिर्च, हरी धनिया और 1 मिड साइज अनियन, 1 गाजर और कुछ पत्ते पालक के। साथ साथ मैंने यहाँ पे लिए हैं फ्रेंच बीन्स। इन सारी ही चीज़ों को हम बहुत अच्छी तरीके से पहले साफ़ कर लेंगे और बहुत फाइन चॉप कर लेंगे। और जो गाजर है उसको आप चॉप करने के बजाय, क्योंकि बहुत हार्ड होती है और चॉप करने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो सबसे अच्छा है कि आप उसको ग्रेट कर लें, कद्दूकस कर लें। और यहाँ पे अदरक को भी हम कद्दूकस ही करेंगे बिकॉज़ वो बहुत अगर बड़े बड़े टुकड़े रह जाएंगे तो वो मुंह में आके अच्छा ना इतने अच्छे लगें, इसलिए कद्दूकस ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। हम अपनी दाल में ये सारे ही इन्ग्रीडियंट्स डाल देंगे, जितने भी हमने वेजीज चॉप करी हुई हैं वो सारे हम इसमें डाल देंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर देखिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, जो आपके पास अवेलेबल है हेल्दी चीज़ें आपको लगती हैं वो चीज़ें आप इनमें ऐड कर सकते हैं। तो जो भी आइटम और मसाले मैं आपको बता रही हूँ ज़रूरी नहीं है कि आप सेम वो चीज़ें डालें, जो अवेलेबल हो वो डालिए। अब हम डालेंगे इसमें सबसे पहले नमक। नमक स्वाद के अनुसार डालिए, मैंने 1 टेबलस्पून के आसपास नमक डाला है क्योंकि आटा भी इसमें हमें डालना है और दाल में थोड़ा बहुत नमक ऑलरेडी है तो वो सोच के मैंने डाला है। उसके बाद मेरे पास कुछ सफ़ेद तिल हैं तो 1 टेबलस्पून के आसपास सफ़ेद तिल डाल दिए, बहुत ही अच्छे लगते हैं जब वो एक आध दाना मुँह में आता है खाते टाइम। 1/2 टीस्पून हम अजवाइन ले लेंगे और हाथ में उसको अच्छी तरीके से रगड़ के इसमें डाल देंगे और सेम हम जीरे के साथ करेंगे, 1/2 टीस्पून हम जीरा भी ले रहे हैं। तो ये जितने भी सीड्स होते हैं ना इनको अगर हम हाथ से थोड़ा रगड़ के डालें तो इनके इन्फ्यूज़्ड मसाले जो होते हैं वो बाहर निकल आते हैं जो कि बहुत बढ़िया लगते हैं, टेस्ट इन्हांस कर देते हैं। 1/4 टीस्पून हींग और 1/2 टीस्पून भुना जीरा जो कि कुटा हुआ होता है, 1/2 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालिए और 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला डालिए। अगर गरम मसाला बाहर का है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा डालिए क्योंकि वो लाइट होता है, हमारा घर वाला जो होता है वो अरोमा ज़्यादा होता है इनमें। 1 से 1.5 चम्मच हम या तो धनिया पाउडर डालेंगे, अगर कुटी हुई धनिया है तो नथिंग लाइक दैट। लगभग 1 टीस्पून के आसपास आमचूर पाउडर डालेंगे, ड्राई मैंगो पाउडर और साथ साथ में 1 टेबलस्पून के आसपास घी डालेंगे। तो इसको डालने से एक तो हमारे पराठे जो हैं वो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और दूसरी चीज़ जो है वो जो शेल्फ लाइफ है आपके पराठों की वो बढ़ जाती है। यानी कि अगर आपने रात वाली दाल यूज़ करी है तो, और मैं उसको अगर कहती हूँ कि आप पूरे दिन उसको यूज़ कर सकते हैं, पराठे को खा सकते हैं, सस्टेन करेंगे आपके पराठे, तो उसमें घी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये सारे जो भी चीज़ें हमने डाली हैं इनको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और जब ये आपस में बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएंगी तब हम इसमें आटा मिलाना शुरू करेंगे। तो बेसिकली हम आटा मारते हैं तो एक साथ आटा ले लेते हैं फिर थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते हैं, पर यहाँ पे हम पानी का यूज़ नहीं करेंगे और हम थोड़ा थोड़ा आटा इस दाल वाले बैटर में डालते जाएंगे और साथ में मिलाते जाएंगे। आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि अब डो रेडी हो गया है और जब आपको लगे कि पराठे बनाने लायक जो आप नॉर्मल आटा मारते हैं वैसा आपका आटा तैयार हो गया है तो वो समय है कि आप इसको अच्छी तरीके से अब नीड करें। और जब ये अच्छी तरीके से मड़ के एक साथ इकट्ठा हो जाए फिर हम उसको जैसे नॉर्मल आटे को करते हैं उसी तरीके से एक साथ समेट देंगे, थोड़ा सा चिकना कर देंगे और जब सारा समेट के एक साइड रख जाएगा तो थोड़ा सा
एक हाथ में घी ले लेंगे या तेल ले लेंगे और उसको थोड़ा ऊपर की ओर हम लगा देंगे, जो ऊपरी परत है उस पर लगा देंगे और इस आटे को हम ढक के रख देंगे फॉर एटलीस्ट 15 मिनट्स। आटे को कुछ देर भिगो के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप रोटी के लिए आटा बनाएं या पराठे के लिए, क्योंकि अगर गेहूं का आटा है तो ग्लूटेन रिलीज होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा आटा रेडी हो गया है, इसको एक बार हम फिर अच्छी तरीके से हल्के हाथ से मार लेंगे, फिर बना लेंगे छोटे छोटे गोले। अभी अगर आप जो नॉर्मल पराठा बनाते हैं उससे आपको थोड़ा आटा हर गोले में ज़्यादा लेना होगा, हर पेड़ा आपका थोड़ा सा ज़्यादा मोटा होना चाहिए क्योंकि इसमें वेजीज पड़ी हैं और बाकी चीज़ें पड़ी हैं, तो थोड़ा सा मोटा ही बनेगा। बहुत पतला बना देंगे तो वो पापड़ जैसा हो जाएगा। तो इन पेड़ों को हम अपने हाथ से थोड़ा सा रोल करेंगे तो ये पेड़े चिकने हो जाएंगे। तब तवा चढ़ा दीजिए और बेलना शुरू कर दीजिए। अभी यहाँ पे ये है कि आप दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो जो हमारे ट्रायंगल वाले पराठे बनते हैं नॉर्मल पराठे, वो भी बना सकते हैं, बट मैं यहाँ पे गोल पराठे बनाऊँगी। तो अब हम यहाँ पे कुछ सूखा आटा लगा के अपने पेड़े को लेंगे और हाथ की मदद से थोड़ा सा उसको फैलाएंगे, उसमें डालेंगे हम थोड़ा सा घी और फिर हम वापस से इसको बंद करेंगे चारों तरफ से। और जैसे हम रोटी बेलते हैं ना, बस वैसे ही इसको बेल लेना है, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा मोटा रखना है। और बस हम तवा गर्म हो चुका है हमारा, उसमें हम पराठे को डालेंगे और जिस तरीके से हम नॉर्मल पराठे सेकते हैं, घी या तेल जो भी आप यूज़ करते हैं वो लगा के लाल होने तक दोनों साइड से सेकना है। हाँ, ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप मीडियम गैस पे रोटी को डालेंगे, आपके पराठे को डालेंगे, और जब थोड़ा थोड़ा वो पक जाए तब हम उसको पलटेंगे। तो जिस साइड हमारी पक के आ गई है उस साइड पर हम घी लगाएंगे, ना कि डायरेक्ट हम कच्चे आटे में घी डालें। तो बस इस तरीके से हर कॉर्नर पे घी लगाएं। और मैं ब्रश वगैरह का यूज़ नहीं करती हूँ, मुझे एक अंदाज़ा रहता है कि एक चम्मच के आसपास पर साइड में मुझे लगाना है घी, तो दो चम्मच कंज्यूम होंगे, तो उस बेसिस पे ना तो बहुत ज़्यादा घी होता है और ना ही कम पड़ता है। तो कुछ ही देर में हम देखेंगे कि हमारे दोनों साइड की परत में पराठे में लाल लाल पैचेस पड़ना स्टार्ट हुए हैं। दैट मीन ये बहुत बढ़िया साइन है, ये कलर जो आपको भी दिख रहा है इस कलर में हमारे पराठे होने चाहिए। अगर हमने इसको तेज गैस में कर दिया तो पराठे काले काले से पैचेस पड़ जाएंगे, फिर वो टेस्ट में भी उतने बढ़िया नहीं लगते खाने में और ना ही तो देखने में अच्छे लगते हैं। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं आपसे एक ट्रिक शेयर करने वाली हूँ जो कि आपको निजात देगा बार बार पराठे बेलने और सूखे आटे और अपने प्लेटफॉर्म गंदा करने से। ये लीजिए, हमारा पराठा गर्मा गर्म रेडी है। कितना खूबसूरत ये देखने में लग रहा है, सफ़ेद तिल इतने टेम्पटिंग लग रहे हैं, ग्रीन वेजीज का कलर इसमें खूबसूरत लग रहा है, और ये जितना देखने में सुंदर लग रहा है आई प्रॉमिस यू खाने में ये उससे भी टेस्टी लगेगा। आप जानबूझ के घर में दाल ज़्यादा बनाइए नेक्स्ट टाइम से ताकि आप ये पराठे खा सकें। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और कॉमेंट में मुझे बताइएगा कि सबको आपके घर में ये रेसिपी कैसी लगे। तो रुकिए रुकिए, कहीं जाना नहीं है, अभी मुझे आपको वो ट्रिक बतानी है जिससे आप रेडी टू मेक पराठा बना के एक दिन तक पूरा रख सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा। बताती हूँ कि किस तरीके से आप रेडी टू कुक पराठे बना के रख सकते हैं फ्रिज में और पूरे दिन में जब भी मर्जी हो आप उसको गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं सेक के। तो बस अब हम बेले हुए पराठे को तवे पे डालेंगे, घी नहीं लगाएंगे, दोनों साइड से हाफ कुक करेंगे और हम इनको रख देंगे फ्रिज में जब ये ठंडे हो जाएंगे। तो जब भी आपको दिन में जितनी भी बार आपको लगे कि खाना है या किसी को सर्व करना है या खुद खाना है, बस उस पराठे को हाफ कुक पराठे को निकालिए, तवे पे तवा गर्म करिए और जिस तरीके से आप नॉर्मली पराठा सेकते उस तरीके से सेक सकते हैं। होप आपको ये टिप पसंद आई और ये बहुत हेल्पफुल रहेगी। एंड आई एम जस्ट एंडिंग ऑन द नोट, स्प्रेड लव थ्रू कुकिंग। बन अपीत।